इच्छिगत अनुप्रकारी महान ईश्वर दयालु पिता प्रिय प्रभु जी, इस घड़ी हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए प्रभु। प्रिय पिता, यह आपकी महान प्रेम है, आपकी महान करुणा है स्वामी की, हम आज के इस दिन को देख पाए प्रभु। वचन कहता है कि प्रति भोर आपकी करुणा हमारे लिए नहीं हो जाती है स्वामी, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हम मिट नहीं गए, परमेश्वर की महा करुणा का फल है। प्रिय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता कि बीते समय से लेकर अब तक हम आपके अनुग्रह में सुरक्षित हैं पिता, आपके प्रेम से पिता हम परिपूर्ण हैं स्वामी। निश्चय ही पिता आप हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे मन के हर एक बातों को जानते हैं पिता, और निश्चय ही प्रभु जैसा वचन कहता है कि मैं दाखिलता हूँ और तुम डालिया, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें यहाँ लेकर आए हैं स्वामी। आपने हमें प्रिय पिता इस समय को हमारे लिए ठहराया पिता, कि निश्चय ही प्रभु हम प्रिय पिता आपकी बातों को सुन पाए, सीख पाए प्रभु, और निश्चय ही पिता जब आप हमारे मध्य में हैं स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति यहाँ है पिता, और आप उनमें से हर एक के मध्य में चल फिर रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रिय प्रभु जी, इस घड़ी जब हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले हैं पिता, हम अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु, हम अपने आप को खाली करते हैं पिता, हम में से हर एक को पिता अपने अभिषेक से भर प्रभु। प्रिय पिता, के निश्चय ही हम आत्मा में से भर कर आत्मा की परिपूर्णता में प्रभु आपकी महिमा करने पाए पिता। प्रिय प्रभु जी, वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करते हैं। प्रिय पिता, हम आराधक बनने पाए पिता। प्रिय प्रभु जी, आपने हमें योग्य बनाया प्रभु कि हम आपके सम्मुख आ पाते हैं। प्रिय प्रभु जी, आपने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध किया प्रभु, हम एक नया मन और एक नए हृदय से पिता। प्रिय प्रभु जी, आपने सृजा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रिय प्रभु जी, आगे के हर एक कार्यों को पिता हम इस पूरे सभा को प्रभु आपके नियंत्रण में सौंपते हैं पिता, आपके लहू में बाइंड करते हैं पिता। जितने लोग प्रभात में हैं प्रभु, आप हर एक की सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु, कि प्रिय पिता आपकी महिमा के लिए प्रभु सुरक्षित यहाँ पहुँचने पाए पिता। हम सारी आदत महिमा प्रशंसा सम्मान और धन्यवाद आपको देते हैं पिता। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में प्रार्थना मांगते हैं स्वामी, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए।
उसने ये नहीं देखा कि हम कितने पाप में डूबे हुए, लेकिन वो पिता जो सिर्फ हमसे प्रेम करता है, उसने सिर्फ हमें देखा, उसने हमारी बुराइयों को नहीं देखा, लेकिन उसने सिर्फ हमारे हृदय को देखा। और वह आज भी चाहता है कि हम उस पिता के और नजदीक जाएं, उसके और निकट जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ और तुम्हारे निकट आएगा। जीवित परमेश्वर है जो हमारी बातों को सुनता है, वह हमारे हर एक दुख को महसूस करता है, वह हमारी हर एक खुशियों में आनंदित होता है। वह जिंदा खुदा है, जब हम उसकी महिमा करते हैं, वह अपने स्वर्गीय आशीषों को, स्वर्ग के चरों को हमारे लिए खोल देता है, क्योंकि निश्चय ही जो दीवार हमें परमेश्वर से जुड़े रहने में बंधन एक रुकावट बनती थी, परमेश्वर ने पुत्र के बलिदान से उस लहू को तो उस दीवार को तोड़ दिया, उस लहू से धोकर हमें शुद्ध किया, हमें नया किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया। हम उसे धन्यवाद। Thank you.
वचन कहता है कि मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा, और निश्चय ही पिता ने हमारे पुकारने की आवाज को सुना। मां को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे माध्यम में हैं पिता, आपने हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण किया। स्वामी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस खड़ी प्रभु हम फिर से प्रिय पिता आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आगे के सेशन में प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता। हम इस हरेक को पिता आपने अपने अभिषेक से भरा प्रभु, हमें अपने वचनों के लिए तैयार किया पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमेन।
मेरा तबीयत बहुत डिटोरेट होते चला जा रहा था. सब लोग मेरे लिए, मेरे फ्रेंड्स जितने भी मिलने आ रहे थे, सबको लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी. लेकिन सब लोग मेरे लिए बहुत बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे. प्रेयर टावर में भी हम लोग बहुत बार, मतलब मेरी मम्मी, मेरी बहन, सब लोग बहुत बार यहाँ भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए. दिल्ली प्रेयर टावर में भी प्रार्थना के लिए दिए. और हम सेवा सदन में उस समय एडमिट थे. मेरा ब्लड भी कम हो गया था, सब कुछ कम होते जा रहा था. मेरा इम्यूनिटी कम हो गया और ऐसा लग रहा था, मतलब शैतान आ रहा है मेरे को और बोल रहा है कि हम तुमको ले जाएंगे. अब तुम्हारा इस दुनिया में कुछ काम नहीं है, तुम्हारा जिंदगी खत्म है. और इस तरह से मृत्यु का भय मुझे सताने लगा. और शैतान मुझे एकदम ऐसा लगता था ना, आंख बंद करती थी और एकदम मुझे शैतान दिखने लगता था और बोलता था कि तुम अब नहीं बचोगी, तुम नहीं बचोगी. उसके बाद में मैं उस समय आईसीयू में मैं थी. मेरी मम्मी मुझे एक छोटा सा बाइबल दी, बोली कि जब तुम्हें कुछ लगे तो तुम प्रार्थना करना. और हमेशा मैं मतलब सो नहीं पाती थी, इसलिए कि पता नहीं अगर जब आंख बंद करूंगी तो कब मेरा सांस चला जाएगा, मुझे नहीं पता इस तरह से. और हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते, वो लोग भी मेरे लिए बहुत प्रार्थना किए. और पूरा मुझे लगता है कि पूरा रांची मेरे लिए प्रार्थना किया बहुत बोझ के साथ में. उसके बाद भी मतलब मैं ठीक थी, लेकिन मतलब मैं क्योर नहीं हो रही थी. मैं चल फिर तो पा रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी. मैं सोचने लगी कि इतने सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं इतना बोझ के साथ में, फिर भी मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ. लेकिन मुझे प्रभु ने बताया कि मैं खुद कभी प्रार्थना नहीं की इस बात के लिए कि प्रभु मुझे चंगा कीजिए. मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थी कि सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं. लेकिन उसके बाद में मैं आईसीयू से बाहर निकली. बहुत मुझे फीवर रहता था, हर दिन 24 घंटा फीवर रहता था, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी. तो एक दिन रात में बहुत फीवर था, सारे लोग सो रहे थे. मैं सोची कितना डिस्टर्ब करूँगी डेली सब लोगों को, मेरे पेरेंट्स लोग को. तब मैं उठी और उस दिन मैं अपने बेड से उतरी और नील डाउन की. मैं तो इतनी कमजोर हो गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी. तब मैं नील डाउन की. उसके बाद मैं उस दिन प्रार्थना की, प्रभु आप हर चीज को बदल सकते हैं, आप मेरे हर एक ब्लड रिपोर्ट को बदल सकते हैं, मेरे शरीर में हर चीज को नॉर्मल कर सकते हैं, मेरे लंग्स को नॉर्मल कर सकते हैं, प्रभु आप में शक्ति है प्रभु. इस तरह से मैं प्रार्थना करने लगी, रोने लगी. मैं बोली कि जब तक मेरा फीवर कम नहीं होगा प्रभु, मैं घुटने से नहीं उठूंगी. आज मुझे आप चंगा कीजिए और हर एक चीज को बदलिए. और उस दिन मैं प्रार्थना की और परमेश्वर का वचन को मैं याद करने लगी, यंग पार्टनर में जब मेरा नाम डॉर्मेंट हुआ था, उस टाइम दिनकरन अंकल ने मुझे वो वचन दिए थे कि जैसे तू आत्मा उन्नति कर रही है, अपनी बातों में भी उन्नति कर और भला चंगा रहा. तो मैं बोलने लगी, प्रभु आपने तो मुझे वचन दिया है कि भला चंगा रहा, तो मैं भला चंगा नहीं रहूंगी तो फिर मैं आत्मा उन्नति कैसे करूंगी, आपके वचन को कैसे पिता परमेश्वर बताऊंगी. और इस तरह से मैं बोलने लगी. और उसके बाद में फिर बार बार मैं वचन को याद करने लगी और यही सब वचन सबको मैं बोलने लगी. और उसके बाद से दूसरा दिन जब मैं उठी, उस दिन दूसरा दिन जब मेरा ब्लड टेस्ट सब हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सचमुच परमेश्वर महान है. उसने मेरे सारे ब्लड रिपोर्ट्स को नॉर्मल कर दिया, जो कि उतना दिन से पहले कभी नहीं हुआ था नॉर्मल. लेकिन परमेश्वर ने ब्लड रिपोर्ट्स को नॉर्मल कर दिया. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से चंगा किया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों के सामने. इसलिए परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद और इस दुआरी से सबों को आशीष मिले. Thank you.
हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं पिता, कि आज की सभा में पिता आपने हम हर एक को इकट्ठा किया है। लॉर्ड प्रभु जी, हम आपके सम्मुख में आते हैं और पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए पिता। जो लोगों को आपने चुना है, जो लोगों को आपने नियुक्त किया था आज के दिन के लिए, आपने उन्हें लेकर आया है पिता। और प्रभु जी, एक बड़े प्रभु जी आपके आशीष को प्रभु जी हर किसी ने ग्रहण किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु जी, जो बातों को प्रभु जी अब तक हमने देखा नहीं है, जो बातों को अब तक सुना नहीं है, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं समाई है, वैसे वैसे बातों को प्रभु जी आप आने वाले दिनों में अपने प्रेम करने वालों के मध्य में करने जा रहे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु जी आप महान हैं, और प्रभु जी आपने हमें अपने स्वरूप और अपने समानता में रचा है लॉर्ड। प्रभु, हमारे मूल्यों को समझने के लिए हमें प्रभु जी हमें आज शक्ति प्रदान करें लॉर्ड। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जितने लोगों ने प्रभु जी यहाँ पे आए और प्रभु जी अपने हाथों से प्रभु जी भेंट को चढ़ाया है। हाँ प्रभु जी, बहुतों ने अपनी कमी घटियों में से चढ़ाया है पिता, और आपने हर एक किसी के हृदय को देखा है पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रभु जी आपके राज्य के लिए पिता, राज्य के बढ़ोतरी के लिए पिताजी बोया है पिता, प्रभु जी आप उन्हें कभी भी लज्जित होने के लिए नहीं दीजिएगा पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जिन्होंने उस पर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी लज्जित ना होने पाया। हाँ प्रभु भी, प्रभु आप हमारे मुंह को कभी लज्जित होने नहीं देंगे पिताजी। प्रभु, ये हम विश्वास करते हैं पिता। प्रभु, आज हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए, इस सभा के लिए। प्रभु भाई डैनियल के लिए हम प्रार्थना प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, कितने दूर से प्रभु जी आपने उन्हें हमारे मध्य में लेकर आए पिता। प्रभु जी, आने वाला दो दिन पिता एक प्रभु जी अद्भुत दिन होने पाए पिता। प्रभु जी, एक आशीष को लाने वाला, हमारे जिंदगी को बदलने वाला दिन होने पाए पिताजी। हमारे परिवार की हर एक विपरीत परिस्थिति को सकारात्मक परिस्थिति में बदलने वाला दिन होने पाए पिताजी। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता। जीसस कॉल्स के हर एक स्टाफ मेंबर्स, वॉलंटियर्स, जो लोग प्रभु जी मेहनत करते हैं, हर एक को प्रभु जी आशीष कीजिएगा लॉर्ड। सारे बातों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हर कोई आशीष वचन के साथ में स्थान से विदा होंगे, और हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संसार सदा सर्वदा।